आज के इस क्विक वीडियो में यही जानते हैं कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है, क्या अपलोड टाइमिंग मैटर करता भी है या नहीं, और अगर नहीं करता तो मैं अपने वीडियो हमेशा 4 और 8 बजे ही क्यों डालता हूँ। वेल लेट्स फाइंड आउट। तो जब भी YouTube से रिलेटेड किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले जाके देखो कि खुद YouTube क्या कहता है उस चीज के बारे में। इफ यू गो टू YouTube स्टूडियो एनालिटिक्स ऑडियंस टैब तो वहां पे वी विल गेट दिस चार्ट जिसे हम जान सकते हैं कि हमारे व्यूअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहते हैं एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन डिसाइड द अपलोड टाइमिंग। ये लाइंस जितने ब्राइट होंगे उसका मतलब उतने ही व्यूअर्स उस समय एक्टिव रहते हैं। नाउ उसके नीचे देखोगे तो इट क्लियरली सेज कि पब्लिश टाइम इज नॉट नोन टू डायरेक्टली अफेक्ट द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ अ वीडियो, व्हिच क्लियरली मेक्स सेंस राइट। एक वीडियो पे आज से एक हफ्ते एक महीने और एक साल बाद कितने व्यूज आएंगे अगर ये वीडियो के अपलोड टाइमिंग से अफेक्ट होता तो बहुत अनफेयर हो जाता, इजंट इट। तो पहले तो ये कंफ्यूजन अच्छे से अपने मन में बैठा लो कि लॉन्ग टर्म में एक वीडियो कैसा परफॉर्म करेगा, उस पे कितने व्यूज आएंगे, इसका अपलोड टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। इफ द वीडियो इज गुड देन व्यूज आने ही है। अगर तुम एक वीडियो को किसी ऐसे टाइम पे डालते हो जब मैक्सिमम व्यूज एक्टिव हैं तब तुम्हें वीडियो अपलोड करते के साथ ही इंस्टेंटली व्यूज आ जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी। बट लेट्स से तुम वही वीडियो सुबह के 3 बजे भी डालते हो तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, जब तुम अपलोड करोगे तब तो सब सो रहे होंगे तो उस समय व्यूज नहीं आएंगे बिकॉज इंप्रेशन भेजने के लिए यूट्यूब के पास कोई होगा ही नहीं। और इसका मतलब ये भी है कि तुम्हारे CTR और AVD पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोर्स यार कोई है ही नहीं वीडियो देखने के लिए। फिर जब सुबह होगी और तुम्हारे व्यूज एक्टिव होकर यूट्यूब खोलेंगे देन उस समय से व्यूज आने लगेंगे लाइक यूजुअल एंड इट्स दैट सिंपल। दैट्स व्हाई टाइमिंग के बारे में उतनी चिंता मत करो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि यूट्यूब ने हमें फिर ये ग्राफ आखिर दिया ही क्यों है, इज इट यूजलेस? तो नो इट्स नॉट। अगर तुम लर्न मोर पे क्लिक करते हो देन यू कैन सी कि यूट्यूब ने कहा है कि प्रीमियर शेड्यूल करना है या फिर लाइव स्ट्रीम करना है चैनल पे तो उसके लिए यू कैन यूज दिस चार्ट। तुम देख सकते हो कि मैक्सिमम व्यूज कब एक्टिव होंगे एंड उस समय कर सकते हो अपना लाइव स्ट्रीम या प्रीमियर, क्योंकि दोनों ही चीजों में लाइव चैट होता है तो यू वुड वांट ना कि व्यूअर्स रहे लाइव के समय एक्टिव, तभी जाके तो कोई मतलब होगा लाइव आने का, तो उसके लिए यू कैन यूज दिस चार्ट। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि अपलोड टाइमिंग एक वीडियो के परफॉर्मेंस को उतना इफेक्ट नहीं करता है, बट क्या इसका मतलब है कि अपलोड टाइमिंग इज कम्प्लीटली यूजलेस और हम वीडियो कभी भी डाल सकते हैं? आंसर होगा शायद नहीं। कुछ छोटे छोटे रीजंस अभी भी हैं जिनके वजह से अपलोड टाइमिंग मैटर कर सकता है। एग्जांपल के लिए सब्सक्रिप्शन फीड ले लो। ये कैसा ट्रैफिक सोर्स है जहां वीडियोस अपलोड टाइमिंग के बेसिस पर अरेंज होते हैं। जिस क्रिएटर ने सबसे रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है उसका वीडियो सबसे पहले रहता है। तो लेट्स से अगर कोई व्यूअर अपने सब्सक्रिप्शन फीड से वीडियोस देखता है तो वैसे में ऑफकोर्स यू वुड वांट कि तुम्हारी वीडियो लिस्ट के जितना हो सके टॉप पे हो। अगर सुबह के 3 बजे वीडियो डालोगे तो ऑफकोर्स उस समय के बाद बहुत सारे और क्रिएटर्स भी वीडियोस डालेंगे तो उनके वीडियोस की वजह से तुम्हारी वीडियो बहुत नीचे दब जाएगी। न्यूज चैनल से कंपटीशन हुआ तब तो गए काम से। दैट्स व्हाई टाइम पे वीडियो अपलोड करना कुड स्टिल बी बेनिफिशियल फॉर यू। पर ये बस एक रीजन था, इसके जैसे और भी छोटे छोटे रीजंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर अपलोडिंग वीडियोस एट द राइट टाइम। सो नाउ आई थिंक हम उसी क्वेश्चन पे वापस आ चुके हैं, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू अपलोड वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो पहला तो ये चार्ट है सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, जिस टाइम पे व्यूअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उस समय के स्टार्ट पे वीडियो अपलोड कर दो, इंस्टेंटली व्यूज आएंगे। इसके अलावा तुम खुद से भी सोच सकते हो कि मेरे व्यूअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहते होंगे एंड यू कैन अपलोड अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम ऑडियंस किड्स है तो मॉर्निंग या आफ्टरनून के समय अपलोड करने से बेटर होगा रात में अपलोड करना जब बच्चे स्कूल या ट्यूशन से फ्री हो। सो इस टाइप से भी लॉजिकली यू कैन डिसाइड योर अपलोड टाइमिंग अगर ये ग्राफ स्टूडियो में नहीं दिखा रहा।